और झारखंड विधानसभा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, सीधी तस्वीरें मिल रही हैं आपको दिखाते हैं। समारोह 2022 का विधिवत शुभारंभ इस वक्त किया जा रहा है। भविष्य की बहुत सारी सुखद कामनाओं के साथ किसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। दीप प्रज्वलन, तालियां हो आपकी तरफ से। दीप प्रज्वलन के साथ झारखंड विधानसभा समारोह 2022 का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे गणमान्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहे और जग को रोशन करते रहे। बहुत सारी उम्मीदों के साथ ईश्वर से ये कामना करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। 22वीं वर्षगांठ समारोह ये झारखंड विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए। आज जब हम सभी झारखंड विधानसभा की 22वीं स्थापना दिवस, 22वीं वर्षगांठ समारोह मना रहे हैं और आज के अवसर पर हमारे सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है, आप सभी सम्मानित अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के इस सु अवसर पर, यादगार मौके पर, महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके स्वागत के लिए, स्वागत भाषण हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविन्द्रनाथ महतो जी को। आप आए और स्वागत संबोधन दें और कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। महोदय, झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह में इस मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी, झारखंड के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ तथा अनुभवी संसदीय कार्य मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब, इस वर्ष के बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित माननीय विधायक श्री विनोद कुमार सिंह जी, मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष श्री नलिन सोरेन जी, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष श्री वीरेंद्री नारायण जी, शायद दोनों अनुपस्थित हैं। इस कार्यक्रम इस में उपस्थित हमारे सभा सचिवालय के सेक्रेटरी साहब, कार्यक्रम मंडप में मौजूद माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, माननीय पूर्व सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित झारखंड विधानसभा के माननीय पूर्व अध्यक्षगण, पत्रकार बंधु, राज्य सरकार और सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, राज्य भर से आमंत्रित वीर शहीदों के परिजन, विद्यार्थीगण, खिलाड़ीगण एवं अन्य आगंतुकगण एवं रांची के प्रबुद्ध और गण्यमान्य जनगण, सबको मैं विधानसभा परिवार की ओर से तहे दिल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।